टीन्स प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या होना बहुत ही नॉर्मल होता है। ये कुछ महिलाओं को शुरुआत में ही हो जाती है या फिर कुछ महिलाओं को लास्ट के मंथ में हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। टीन्स प्रेगनेंसी में कब्ज होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ जाना। इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से जो आपकी मांसपेशियां होती है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें आपकी आंतें भी शामिल होती है और आंतों में जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत स्लो हो जाती है, जिस वजह से जो पाचन होता है वो भी बहुत धीरे धीरे काम करता है और जो भोजन आसानी से नीचे आना चाहिए वो आसानी से नीचे नहीं आ पाता है, जिस वजह से आपको जो है कब्ज की समस्या की शिकायत हो जाती है। एंड दूसरा रीजन होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाना। बहुत सारी महिलाएं जो है प्रेगनेंसी में पानी को बहुत ज्यादा अवॉइड करती हैं, जिस वजह से भी उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। एंड तीसरा रीजन होता है जो प्रेगनेंसी में एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आपको आयरन की टेबलेट दी जाती है, उस वजह से भी आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है। एंड चौथा रीजन होता है अनहेल्दी एंड अनबैलेंस डाइट का सेवन करना, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है प्रेगनेंसी में कब्ज होना। और आपको एक बार क्लियर कर दे, प्रेगनेंसी में कब्ज होने पर बच्चे पर कोई भी असर नहीं होता है। प्रेगनेंसी में कब्ज होने पर आपके साथ क्या होता है कि जो आपका मल होता है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है एंड वो आसानी से बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए जब आप एक बार फ्रेश होने चाहती है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बार बार जाने की जरूरत है। और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले कब्ज की शिकायत होती है तो उनकी जो कब्ज की समस्या होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये जो है डिलीवरी होने के बाद अपने आप ही सही हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या को दूर करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप प्रॉपर डाइट ले सकें, क्योंकि अगर आपको कब्ज की शिकायत रहेगी तो आप प्रॉपर डाइट वगैरह कुछ भी नहीं ले पाएंगी, जिससे कि बच्चे की अच्छे से ग्रोथ एंड अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कब्ज की समस्या को दूर करना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके अपनी कब्ज की समस्या में काफी हद तक राहत पा सकती हैं। तो सबसे पहली टिप है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा, जिसमें से कम 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पिए, इससे बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। एंड आप एक बार ध्यान रखें, पानी को कभी भी खड़े होकर ना पिए, आराम से बैठ के और एकदम से इकट्ठा ना पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए ताकि आप प्रॉपर खाती भी रहें, क्योंकि अगर आप एकदम से पानी लेंगी तो आपका पेट जो है वो बहुत ज्यादा भरा भरा रहेगा और कुछ भी नहीं खा पाएंगी। एंड दूसरी बात, आपको अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर की मात्रा को बढ़ाना होगा। आप खाने में सारी दालों का प्रयोग करें, क्योंकि दालों में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। एंड आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। एंड आप अपनी डाइट में सलाद में चुकंदर को जरूर शामिल करें, क्योंकि चुकंदर में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। आप नींबू का सेवन जरूर करें सलाद में, आप खीरा, टमाटर, गाजर, प्याज एंड चुकंदर, इन सभी में नींबू डाल के जरूर खा सकती हैं, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगी। एंड आप अपने खाने में एक कटोरी दही का भी सेवन जरूर करें। एंड आप जो है मट्ठे का भी सेवन जरूर करें, ये भी आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स देगा। एंड आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो आप गुनगुने पानी से ही शुरू करें। आपको सबसे पहले सुबह उठ के एक गिलास गुनगुने पानी में एक नींबू डाल के एंड थोड़ा सा शहद डाल के उसको पीने के बाद ही आप फ्रेश होने जाएं। एंड आप कोशिश करें कि ये जो आपको गुनगुना पानी लेना है वो आप सुबह खाली पेट ही लें, उसके बाद में ही आप कुछ आगे खाएं। एंड आप जो है किशमिश भिगो के रात में रख दें, उसका पानी भी सुबह पी सकती हैं, इससे भी आपको जो है कब्ज में काफी हद तक राहत मिलेगी। और आप जो है खट्टे फलों का सेवन जरूर करें, जिसमें आप संतरा, नाशपाती, अमरूद एंड मौसमी, अनार, इन फलों को जरूर लें, ये आपको काफी मदद करेंगे कब्ज की समस्या को दूर करने में। एंड आप जो है सेब और केला को भी ऐड करें, और आप कोशिश करें केले को जो है थोड़ा सा शहद मिला के एंड उसमें जरा सा घी डाल के उसको जरूर खाएं, इससे भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी कब्ज की समस्या को दूर करने में। एंड आप एक काम और करें, जो आप सादा नमक का यूज करती हैं आप उसकी जगह सैंधे नमक का यूज करना स्टार्ट कर दें, ये भी आपको काफी हद तक राहत देगा। और आप जो है सुबह के नाश्ते में नमकीन दलिया या फिर मीठा दलिया या फिर नमकीन ओट्स या मीठे ओट्स को जरूर शामिल करें, इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। एंड आपको ये जरूर लेने हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एंड आपको ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेना है, हर दो दो घंटे बाद आपको कोशिश करनी है नारियल पानी, मट्ठा या फिर जूस, नींबू पानी, आप इनमें से कोई भी चीज जरूर लें या फिर सादा पानी, लेकिन आप हर दो दो घंटे बाद जरूर पिए। और आपको बिल्कुल भी इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है अगर आप चाहती हैं आपकी कब्ज की समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको अपनी कब्ज की समस्या को दूर करना है तो आपको प्रेगनेंसी में थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव रहना होगा, क्योंकि जो महिलाएं खाती ज्यादा है और एक्टिव कम रहती हैं तो उनको भी कब्ज की समस्या काफी ज्यादा रहती है। तो आपको थोड़ा एक्टिविटी अपनी ज्यादा बढ़ानी होगी, जिसमें आप घर का काम करें एंड आप ज्यादा से ज्यादा टहले सुबह और शाम। एंड आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ानी है,
आपको अपनी डाइट में जो फाइबर की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ानी है। अगर आप एकदम से खा लेती हैं तो आपके पेट में जो है दर्द या फिर मरोड़ भी हो सकती है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। ट्विंस प्रेगनेंसी में कब्ज होने पर आपको फाइबर इसलिए ज्यादा लेने को बोला जाता है क्योंकि फाइबर का जो काम होता है वो मल को पतला कर देता है, जिससे कि मल जो है वो आसानी से बाहर आ जाता है। इसलिए आपको फाइबर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप चाहती हैं कब्ज की समस्या से जल्द आपको छुटकारा मिले, आपको एक बार ध्यान रखनी कि आपको कोई भी चीज इकट्ठी नहीं खानी है, आपको हर एक से डेढ़ घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाना है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि इकट्ठा ही एक बार में ही सारा खा लें। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ आप अपना टाइमिंग सेट कर ले, हर दो दो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बाद आप जो है उसको जरूर फॉलो करें कि आपको खाने के बाद टहलना जरूर है ताकि आप जो भी खा रही है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए एंड आपको जो है कब्ज की शिकायत में काफी हद तक रिलैक्स मिले। आपको एक ही दिन में रिलैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको जरूर रेस्पॉन्स मिलेगा, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है आप उस पर वीडियो चाहती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं।